विश्व पर्यटन दिवस पर इंटक ललितपुर चैप्टर द्वारा स्थानीय एक कॉलेज में ललितपुर में पर्यटन विकास की संभावनाएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित सैकड़ों छात्र शिक्षक इंटक सदस्य व जागरूक जन ने जनपद के ऐतिहासिक प्राकृतिक सांस्कृतिक पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल का संरक्षित एवं विकसित किए जाने हेतु हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। संगोष्ठी से पूर्व विद्यालय के छात्र ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि विधायक राम रतन कुशवाहा ने कहा कि ललितपुर पर्यटन स्थल से काफी समृद्ध है तथा प्रदेश में सर्वाधिक धरोहर एवं पर्यटन स्थल यहां मौजूद है। आवश्यकता है उन्हें विकसित करने की। इन स्थल के विकास के लिए प्रदेश सरकार अब पूर्ण जागरूक है तथा मेरे द्वारा पर्यटन विकास का व्यापक प्रस्ताव सरकार द्वारा अग्रसित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं काफी रुचि ले रहे हैं। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक पर्यटन केंद्र पर जाएं तथा उन स्थलों के बारे में अन्य लोगों को भी बताएं और इन स्थलों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वो सब हम भी उनसे अनुसरण करें, कुछ नई नई चीजें सीखें, नए स्थानों पे जाएं, वहाँ पे क्या चीज है, संस्कृति कैसी है, खान पान कैसा है, वेशभूषा कैसी है, ये सारी चीजों का ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में काफी उसके अंदर से आपको फायदा मिलेगा। मैं अगर पूछूं हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कि हमारे ललितपुर में ही इतने सारे पर्यटन स्थल, हाथ उठाइए कौन वहां तक गया है। पाली के प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर कौन गया?